हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और होप सो बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना सुबह सुबह से ही मेरे ब्लॉग की भी शुरुआत की जाए, तो मेरे पूरे डेली रूटीन के साथ साथ। और आज है संडे और मम्मी डैडी और मेरा बेटा आज गाँव जाने वाले हैं। मतलब आफ्टर लंच टाइम 1-1.5 बजे से गाँव जाएंगे, फिर शाम तक वापस आ जाएंगे। चाची चाचा जी से मिलने जा रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा जल्दी उठ के जितनी भी क्लीनिंग वगैरह का काम है वो सब फिनिश कर लूँ, और टाइमली पूरा लंच भी रेडी कर लूँ फिर, क्योंकि आदि को भी रेडी कराना रहेगा ब्रश वगैरह करा के। अभी तो आदि सो रहा है। तो फिर आज बहुत सारा काम है, संडे तो है, लेकिन संडे को काम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। आई थिंक हर लेडीज़ ये रिलेट कर सकती होंगी कि संडे को काम बढ़ जाता है। तो आज मैंने सोचा था थोड़ा डीप क्लीनिंग करने को, लेकिन ये सडन प्लान बना 2-3 दिन पहले कि गाँव जाना है, तो चलो ठीक है फिर देखते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ क्लीनिंग कर ले, जल्दी जल्दी से पूरी डस्टिंग वगैरह कर लूँ। तो मैंने सफाई का मोर्चा जो है संभाल लिया है। हालांकि आज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है संडे को, बट फिर भी पूरे वीक को मिला करके आपको संडे को ही मिल पाता है थोड़ी फुर्सत, जिस दिन आपको थोड़ा सफाई पे ध्यान देने का टाइम मिलता है। तो आज मैंने मनु भैया के रूम से, जो इस नीचे के पोर्शन में सबसे बड़ा रूम है, वहाँ से शुरुआत की है। तो उसके विंडोज़ काफ़ी गंदे हो गए थे और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, इधर बहुत कुछ लगा हुआ था आना जाना। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड करके ही मैं उठी थी, या आप कह सकते मैं डिसाइड करके ही सोई थी कि सुबह उठ के मुझे अच्छा से डीप क्लीनिंग करनी है। तो आज मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, विंडोज़ वगैरह क्लीन हो गई है, बेडशीट वगैरह चेंज कर दिया है। आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, स्पेशली लेडीज़ की सफाई में, सफाई होने के बाद जितना अच्छा लगता है ना घर, उसके पीछे उतनी ही ज़्यादा मेहनत होती है अच्छे से वो, स्पेशली गर्मी में पसीना बहा के सफाई करने की। तो गाइज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अगर लेडीज़ सफाई करती है तो आप भी उन्हें सपोर्ट ज़रूर करो कि घर में अच्छे से क्लीनिंग रहे। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने आद्यांत यानी अपने बेटे के रूम में। तो इसके रूम में तो मुझे डेली ये काम करना पड़ता है, सारे टॉयज इधर उधर बिखरे होते हैं, तो मुझे हर एक चीज़ हटा के अच्छे से क्लीन करके वापस से अरेंज करना पड़ता है। तो ये इस रूम में, आदि के रूम में, तो मुझे ये डेली काम करना पड़ता है, तो मुझे इसमें तो हैबिचुअल हो चुकी हूँ, इसकी सफाई ऑलमोस्ट हमेशा ही रहती है। नेक्स्ट मैं आ गई अपने हस्बैंड के ऑफिस में, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मुझे टाइम कम मिलती, कभी कभी अच्छे से करने को मिलता, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने। एंड इनके सिस्टम पे, पूरे टेबल पे काफ़ी डस्ट हो चुका, तो मुझे वो भी क्लीन करना है। प्लस फिर आगे सारा रूम क्लीन करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने आंगन में यानी लॉबी एरिया में। और ये मिरर वगैरह, मिरर तो बहुत ही गंदे होते हैं, जो कोई भी फेस वॉश करके जाता है पूरे छींटे पड़ जाते हैं, तो इसमें मुझे थोड़ी टाइम लगती है, हर 2 दिन के गैप पे मुझे अच्छे से करना पड़ता है। तो यहाँ मेरी फाइनली सारी क्लीनिंग हो गई थी, तो मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले मेरा काम होता है पानी गर्म करना डैडी के लिए और अपने लिए, फिर मैं दूध चढ़ाई हूँ चाय के लिए, और दाल हमारे यहाँ मॉर्निंग टाइम में बननी ही बननी है, क्योंकि आधी बच्चे भी खाते हैं और हम लोग तो मतलब खाते ही हैं। तो अभी यहाँ पे दाल वगैरह चढ़ाने के बाद नंबर आएगा सब्जी का, तो सब्जी में क्या बनना है तो वो मैं डिपेंड करता है, हम लोगों का रात में डिसाइड हो जाता है कि सब्जी क्या बननी। तो अभी दाल डालने के लिए मैंने दाल डाल दी है कुकर में, और एक आलू मैंने डाल दिया है आदि के लिए, क्योंकि मैं डेली कुछ ना चेंज कर करके कोई ना कोई एक पराठा आदि के लिए बनाना मस्ट होता है। तो मैं आज मैंने सोचा आलू का, तो एक आलू दाल के साथ पक जाएगी। और साथ में आज बन रहा है हमारे यहाँ सब्जी में कद्दू, तो जल्दी जल्दी मैंने कद्दू काट के रेडी कर लिया है, लहसुन भी छिल लिया है। तो अब मेरी एक तरफ चाय हो रही है, एक तरफ दाल हो रहा है, दूसरी तरफ मैं सब्जी का छौंक लगाने जा रही हूँ, तो ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। और अभी डैडी उठे नहीं है, जब तक मेरी चाय बन के रेडी होगी डैडी भी उठ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सपना जो सब्जी है हमारे यहाँ कद्दू की, वो थोड़ी खट्टी मीठी टाइप की बनती है। मेरे अगर पहले भी वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे तो आपको पता होगा कई बार मैंने कद्दू बनाई खट्टी मीठी टाइप की, और इसकी रेसिपी भी है मेरे वीडियो और मेरे चैनल पे पड़ी हुई, तो आप वो भी जाके विजिट कर सकते हैं कि ये सब्जी मैं कैसे बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी यमी बनती है। तो अभी मैं जा रही हूँ दोबारा से दूध बनाने के लिए, आदि का दूध बना रही हूँ। ये चाय तो हम लोगों की ऑलमोस्ट बन के रेडी है, तो चाय मैं छान लेती हूँ एक साइड में, और मेरी सब्जी भी जो है वो लगभग लगभग रेडी हो गई है। मतलब थोड़ा भी इसको भुनना बाकी, इसके पानी को ख़त्म करना है मुझे। तो ये कद्दू भी बहुत ही यमी बनती है गाइज, आप चाहें तो कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा से इसकी रेसिपी डाल दूंगी, बट आप एक बार विजिट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए रेसिपी। तो चाय मेरी बन गई है लगभग, और सभी लोग जग चुके थे। और इसके बाद मैंने रोटियां बनानी शुरू की हैं, तो सबसे पहले मैं पराठा बना लेती हूँ। तो आदि के आलू वाले पराठे में कुछ नहीं करती स्पेशली, मैं सिर्फ आलू रहता बॉयल्ड, उसमें थोड़ा सा नमक मिला के इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो मैं रोटियां भी बना रही हूँ, रोटियां बनाने के बाद लास्ट में आदि का पराठा बनाऊंगी।
तो जब तक सभी लोग उठ के रेडी होंगे गांव जाने के लिए, तब तक मेरा सारा जो लंच है, लंच कम ब्रेकफास्ट, सब कुछ वो बन के रेडी हो जाएगा। तो मेरा बेटा अभी उठ गया है। गुड मॉर्निंग आदि। मैं तुम्हें काट दूंगा। ओह, आप भी बोलिए गुड मॉर्निंग एवरीवन। गौरव ब्रश कर ले, रेडी होने। चलिए आइए, पहले ब्रश होके रेडी हो जाए तभी तो जाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट कर लो आपका। आज हमने बनाई यम्मी यम्मी आलू का पराठा आदि के लिए। आदि को ब्रश करा के तैयार करके मम्मी के रूम में भेज दिया है और उसको पराठा मैं दे आई हूँ, मम्मी खिला रही हैं। और जब ही तक मम्मी भी रेडी होंगी तब तक मेरा किचन का क्लीन भी मैं कर लूँ अच्छे से, ताकि मुझे फिर बाद में फुल टाइम मिल सके। अगर रेस्ट करना हो तो मैं रेस्ट कर लूँ, या अदर कोई पेंडिंग वर्क खत्म कर लूँगी अपना मैं। तो किचन तो ये भी क्लीन होता ही, बट फिर भी मुझे थोड़ा किचन पे अपने डीप क्लीन करनी है, उसका टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब किसी दिन मैंने डिसाइड करनी कि हाँ डीप क्लीन करना है किचन का, वो पता नहीं कब करूँगी मैं। आदि यहाँ रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। कहाँ जा रहे हो? अभी पता चला कि अभी नहीं पता चला कहाँ जा रहे हैं? पता ही नहीं चला कहाँ जा रहे हो। हवा चल रही है, अच्छा ही है, धूप बहुत तेज है। दादाजी भी रेडी हैं आदि के। अभी मम्मी और आदि और सभी लोग, डैडी मनु भैया गए साथ में, गांव जा चुके हैं और मैं भी नहा वहा के आ गई। थोड़ा आज बहुत सारे कपड़े थे तो अच्छे से टाइम मिला था, तो एकदम बढ़िया से काम करके आए। और अब जा रही हूँ मैं देखने ऊपर कि क्या हो रहा है, एंड चाय पीने का। गई शाम का टाइम है तो चाय पीने, और नहा के आई तो चाय पीने का तो बहुत तेज़ मन हो रहा है। तो अभी जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड गए नहाने अब, तो जा रही हूँ देखती हूँ क्या हो रहा है ऊपर। चलते हैं ऊपर ही देखते हैं और चाय बनाते हैं एक मस्त सी। ओके, मेरे साथ कौन आया है? मेरे साथ परी आई है। पोरी पोरी पोरी। तो परी जग गई थी तो परी मेरे साथ आई है। हाँ, और मैंने ना अभी टी का आइडिया जो है स्किप कर दिया, क्योंकि मेरे सामने बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ पड़ी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या अपने लिए लेके आई हूँ, इसके बाद चाय बना के हम सब पियेंगे, है ना परी? परी सबसे पहले अपना मिल्क को फिनिश करेगी, उसके बाद फिर हम लोग टी पियेंगे। तो मैं अपने लिए लेकर आई थी दाल चावल प्लस जो आम का मुरब्बा या आम का गलका बनता है ना, वो मीठा मीठा सा, वो डाल के तो बहुत ही यमी लगता है। तो अभी दादी मम्मी डैडी सभी लोग आ चुके हैं, साथ में चाचा चाची भी गए थे साथ में। तो अभी चाचा चाची जी तो निकल रहे हैं, गर्मी बहुत हो रखी है। क्या क्या खाए बेटा? कुछ खाए थे वहां पे? कुछ नहीं, खेले थे? कुछ नहीं किए थे? मैं खेला बेटा। मेरा बच्चा परी। देखो दद्दा गए, परी दद्दा, अभी तक दद्दा की चपाती नहीं खत्म हुई है। आधे घंटे से दद्दा की चपाती अभी हैंड में है, जा रही है परी फिनिश करने जा रही है। हलवा तैयार हो रहा है। हाँ, तो यहाँ हलवा तैयार हो रहा है, बेसन का हलवा। और माय हस्बैंड डिमांड, वो भी रात डिनर करने के बाद रात के 12 बजने वाले हैं। तो अच्छा है कि मैं आदि के लिए रोस्ट करके पहले से रखती हूँ, थोड़ा ही रोस्ट करना पड़ता है वरना फिर और टाइम लगता मुझे। अभी मेरा बेसन का हलवा एकदम रेडी है, बट इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डाले, विदाउट ड्राई फ्रूट है ये, लेके चलते हैं सबके लिए। सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को ही देती हूँ क्योंकि उन्हीं की डिमांड पे बना है। टेस्ट करिए कैसा है, थोड़ा गर्म होगा क्योंकि अभी तुरंत बना है। ये मेरी जेठानी बना के लाई है हलवा, गरम गरम टेस्टी बनाया, थैंक यू। एक चैनल बना लीजिए आप लोग, देवरानी जेठानी। लड़िए दोनों लोग, डालिए हिट हो जाएंगे तुरंत। सो गाइज, अभी मैं ब्लॉग को कर रही हूँ यहाँ पे एंड, और आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड जितना हो सके लाइक करना, क्योंकि जितना आप लाइक करेंगे उतने ही मेरी व्यूज बढ़ेंगे, एंड उतना ही आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट मिलेगा। तो आप सबके प्यार, सपोर्ट एंड मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमेशा। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल, एंड
मेरी इंस्टाग्राम जो आपको आईडी मिल रही है एंड फेसबुक उस पर भी जाके मुझे फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।